हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आपने मेरी पहले की वीडियो अगर देखी है, सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको फूल बनाना सिखाऊंगी और फूल के साथ साथ इन फूलों को यूज कैसे करना है आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो इसलिए मेरी ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ग्लिटर शीट्स चाहिए होती हैं। हमें दो कलर की ग्लिटर शीट्स चाहिए। तो अगर हम दो कलर का बना रहे हैं तो हम दो कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ये सिंगल कलर का बनाया है तो आप सिंगल कलर का भी यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी शीट्स अवेलेबल हैं या आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ग्लिटर शीट चाहिए जिसकी लंबाई मैंने लगभग लगभग देखिए 5 इंच से थोड़ा सा कम है, क्योंकि मुझे छोटा फूल बनाना था इसलिए मैंने ये इतना लिया है। लेकिन अगर आपको बड़ा फूल बनाना हो तो आप इससे बड़ा, जितना भी बड़ा फूल बनाना है आप शीट ले सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 1.5 इंच के करीब की है। आप जितना चौड़ा बनाना चाहें आप उतना ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो ग्लिटर शीट है उसको हम हाफ फोल्ड कर लेंगे, ऐसे देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है, जो एक खुली साइड है एक बंद साइड है, जो बंद वाली साइड है वहां से हम इसको काटना शुरू करेंगे। देखिए जैसे मैंने ये ज्यादा काट दिया तो ये पूरा पीस अलग हो गया। हमें इस तरीके से नहीं काटना है, हमको इसको नीचे से जुड़ा हुआ रखना है, इसलिए हम थोड़ा पोर्शन इसका छोड़ देंगे। ये जो फूल है बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये जो आज मैं स्टाइल आपको बताने वाली हूँ वो आप इसको जो ट्रिक्स होंगी इसमें आप ध्यान से देखिएगा और उनको जब भी आप बनाइएगा तो उसको यूज कीजिएगा। देखिए ये मैंने पूरा कट कर लिया है इसको और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आइए इसका फूल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली लेयर में इसमें ग्लू लगाने की जरूरत रहेगी ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और फिर हम इसमें ऊपर वाली लेयर में लगाएंगे और इसको बहुत सावधानी से हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे इसको। मोड़ के हम इसका गोल गोल, इसको मोड़ने की वजह से इसमें से फूल बनेगा। लेकिन हमें बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ग्लू नीचे भी लगाना है और ऊपर की पोर्शन में भी लगाना है, जिससे कि हमारा ये फूल खुले ना। और आप देख रहे होंगे ये मेरा थोड़ा सा पोर्शन ऊपर निकल रहा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा घुमाते हुए नीचे की साइड पेस्ट कर रही हूं ताकि ये हमारा फूल जो है उभार लेके अच्छे से आए। और देखिए ये मैंने इसको हॉट ग्लू की मदद से इसको बंद कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके जरूर रखेंगे सबसे लास्ट में, जिससे कि जो हमारा ये एंड है इसका तो वो अच्छे से हमारा चिपक जाए। देखिए इसको हम अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये छूट जाएगा और ये निकल जाएगा। अब हम इसके पीछे इसकी लीव्स लगाएंगे। लीव्स हम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, डिजाइन भी शेप भी। मैंने ये जो दो हैं वाइट ही ग्लिटर शीट ली है और जो इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो 1.5 इंच के करीब है और मैंने उसको साइड से गोल कर दिया है। आप भी इस तरीके से इसकी लीफ बना सकते हैं, जितना बड़ा फूल है आपको उस हिसाब से लीफ बनानी है। ये देखिए मैंने ग्लिटर साइड ऊपर रखकर इसको पेस्ट कर दिया है और अब मैं दूसरी लीफ भी इस पर चिपका दूंगी। उसका भी ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि ग्लिटर शीट हमेशा ऊपर की तरफ रहे। देखिए इस तरीके से ये हमारा फूल इतना सुंदर तैयार हो गया है। अब इसको हम कैसे क्या क्या बना सकते हैं, चीजें तो बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज आपको हेयर पिन में कैसे यूज करना है वो आपको बताती हूँ। ये यू पिन है मेरे पास जो कि जनरली जूड़ों में लगाते हैं, चोटी में लगाते हैं। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो एक यू पिन ले लेनी है हमने, एक ग्लिटर शीट का हमने थोड़ा सर्कल काट लिया है।
सर्कल काटने के बाद हमें जो यू पिन है ये हमें इस ग्लिटर शीट में फिट करनी है। तो आप हमेशा इस ग्लिटर शीट में फिट करने के लिए यू पिन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए उंगली से, पास जैसे खुला हुआ है ये, इसको अगर प्रेस कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और छोटा करने के बाद फिर आप इसमें छेद कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब आपको लग रहा होगा ये पास पास आ गए हैं, लेकिन जब आप इसमें फिट करेंगे तो ये आपस में फिर से खुल जाएगा और ये हमारा यू पिन इसमें फिट हो गया है। अब हम इसके ऊपर हॉट ग्लू गम अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि हमारा यू पिन भी चिपक जाएगा और जो हमारा फूल है वो भी अच्छे से चिपक जाएगा। देखिए, ये मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगी। और एक चीज का आपको हमेशा यू पिन में लगाने में ध्यान रखना है कि ये पिन हमेशा हमारा सीधा रहना चाहिए। अगर हमारा पिन टेढ़ा हो जाएगा तो फूल भी हमारा फिर टेढ़ा ही दिखाई देगा। तो जब आप पिन लगाएंगे तो आपका जूड़ा या चोटी जिसमें भी आप लगा रहे हैं वो आपका पिन टेढ़ा दिखेगा या फूल टेढ़ा दिखेगा। तो इसलिए आप थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं एक तो आपको मैंने जूड़ा पिन में बताया, जूड़े पिन में यूज कर सकते हैं आप। अब मैं जो दूसरा आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको रबर बैंड में कैसे लगाना है इसको। रबर बैंड में लगाने के लिए भी आपको एक ग्लिटर शीट की टुकड़े की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप इसमें से ले सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर फ्लावर का कलर है इसलिए फ्लावर के कलर वाला ही लिया है ग्लिटर पेपर। और मैं इसको छोटा सर्कल, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें से छोटा सर्कल एक कट कर लूंगी। छोटा सर्कल कट करके मैं इसको यहां पर प्लेस कर दूंगी हॉट ग्लू की मदद से। हॉट ग्लू आप इसमें बहुत अच्छे से लगाइएगा जिससे कि ये निकले ना, और इसको भी आप प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा आपका फूल, ये इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको हम अब फिर से एक ग्लू लगाएंगे इस पर, और इसमें हम फूल को, फूल जब हम चिपकाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी लीव्स हैं वो आपकी साइड में रहें, इसके ऊपर ना आए। देखिए, मैंने इसको चिपकाया तो ये साइड में निकल रही हैं। अगर ये फूल के बीच में आएंगे तो वो आपको जब रबर बैंड लगाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आप जब भी फूलों का डिजाइन बना रहे हो रबर बैंड पर, तो आप उनकी जो कटिंग है उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बनेगा। अब देखिए, ये मेरा जो चैनल है स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें मैंने आज रबर बैंड आपको बनाना बताया और एक आपको यू पिन का हेयर पिन बताया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द फुल वीडियो।